राजस्थान में आज फिर ईडी सक्रिय हो गई। विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने आज रीट पेपर लीक मामले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर व जयपुर स्थित 5 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। सीकर में इस दौरान डोटासरा के आवास के पास ही उनकी भांजी व जवाई के घर पर भी ईडी ने छापा मारा। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि ईडी को वहां कुछ मिला है या नहीं। इस बीच ईडी की कार्रवाई की सूचना पर कांग्रेस के कई विधायक सहित प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी डोटासरा के आवास पर पहुंचे। वहीं काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी पहुंच गए, जिन्होंने ईडी की कार्रवाई को केंद्र सरकार का राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए नारेबाजी की। बता दें कि इससे पहले रीट मामले में ईडी ने सीकर की कलाम कोचिंग पर भी छापामार कार्रवाई की थी, जिसमें भी डोटासरा की साझेदारी की चर्चा बाजार में आम है। इधर मामले में तेजा सेना ने जाट नेता को ईडी द्वारा परेशान करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को सीकर व लक्ष्मणगढ़ बंद का आह्वान किया है।